जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की टॉप 20 रचनाएं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने क्या किया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, है ना, इन सब की 20 रचनाएं याद कर ली। अब 20 रचनाएं हम द्विवेदी युग की याद करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9098609291 इस नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है दोस्तों, और आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। और जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। आप मात्र 59 रुपये में ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं सिल्वर प्लान खरीद कर, 159 में गोल्ड प्लान खरीद कर, और 299 में दोस्तों आप बन सकते हैं डायमंड प्लान खरीद कर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो आपकी रचना है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। और दोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि वनवास किसको हुआ था, अयोध्या के राजा राम को हुआ था। किसको हुआ था? अयोध्या के राजा राम को वनवास हुआ था, है ना। तो अयोध्या से उपाध्याय आपका उत्तर होगा। और जब ये वनवास हुआ तो ये अपने प्रिय को लेकर प्रवास कर गए थे, वन को प्रवास कर गए थे, है ना। तो प्रिय को, तो प्रिय प्रवास, है ना। और अयोध्या के राजा किसको, राम को वनवास हुआ था। तो वैदेही वनवास, वनवास हुआ था अयोध्या के राजा राम को, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की रचना होगी। और ये प्रिय को ले गए थे तो प्रिय प्रवास भी इन्हीं की रचना हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों याद रख लेना है ये दोनों ही रचना, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, किसकी हैं, उपाध्याय हरिओत जी की हैं। और प्रिय प्रवास ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन है दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कौन होंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? त्रिपाठी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की चारों रचनाएं हैं। इनको याद कर लेना, इनका क्रम भी यही है दोस्तों। मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ में मानसी, इनका क्रम भी सबसे पहले मिलन, फिर पथ, फिर मानसी और स्वप्न, इनका क्रमबद्ध भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना। मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, है ना। कैसे याद करोगे, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं का एक ट्रिक हो जाएगी जो आपको याद रख लेना है, और ये रचनाएं त्रिपाठी जी की हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब इस प्रकार से पानी नहीं गिरता तो कृषक क्या करता है, क्रंदन करता है, और क्रंदन इसका ईश्वर के पास गया, गया क्या, क्रंदन गया, तो क्रंदन गया, तो गया से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो कृषक का क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाकार जो है, कृषक क्रंदन की रचनाकार हो जाएंगे इस प्रकार से। अब कभी भी आपकी रचना पूछी गई बोली कृषक क्रंदन, तो आपको याद आएगा क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला हिंडोला की रचनाकार कौन है। दोस्तों चार विकल्प है, चार में से आपको बताना है, और आपको पता है कि आपको याद कर लेना है जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जगन्नाथ का हिंडोला। तो हिंडोला रचना, और ये किसकी हो जाएगी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये देखो चित्र में जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, अब कभी भूलोगे आप, नहीं भूल पाओगे, जगन्नाथ का हिंडोला, बोले हिंडोला रचना किसकी है, बोले जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संपत्ति शास्त्र की रचनाकार कौन है। दोस्तों चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना है, और आपको पता है अगर आप महावीर की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की कमी नहीं रहेगी,
किसकी भक्ति करोगे, महावीर भगवान की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की क्या नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। तो महावीर से बनेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर से क्या बनेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। बोले महावीर की भक्ति करेंगे तो संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर द्विवेदी योग का नाम पड़ा था, ठीक है। भारत भारती की रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं भारत भारती, और आपको पता है कि हम भारत भारती की शरण में हैं, हम लोग क्या हैं, भारत भारती की, माँ भारती की शरण में हैं कि नहीं है, चित्र में देखो जरा, माँ भारती की शरण में हैं हम लोग, है ना, माँ भारती की शरण में। तो भारत भारती की शरण तो मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती की शरण में है तो मैथिली शरण गुप्त, है ना, शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त कि इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। रस कलश के रचनाकार कौन है दोस्तों, रस कलश, ये देखो, रस का कलश औंधा दिया, औंध दिया, है ना, रस का कलश औंध दिया, तो रस कलश के रचनाकार कौन होंगे, औध दिया तो हरिऔध, है ना, रस का कलश हरि के ऊपर औंध दिया, हरि मतलब भगवान, भगवान के ऊपर औंध दिया, तो रस कलश हरि के ऊपर औंध दिया, चित्र में देखो, हरि के ऊपर औंध दिया, है ना, औंध दिया ना, तो हरिऔध, रस कलश रचनाकार हरिऔध की है, ठीक है। अगला है काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं, चार सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, ट्रिक भी आपके सामने है कि महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, महावीर का काव्य कौन पढ़ती है, मंजूषा पढ़ती है, तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, याद रखेंगे आप, महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है ना, तो काव्य मंजूषा के रचनाकार जो होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। अगला है दोस्तों रंग में भंग के रचनाकार कौन है, रंग में भंग दोस्तों, आप रंग बना रहे थे, रंग बना रहे थे और मैंने मैथी डाल दी, मैथी डाल दी, तो आप बोलोगे यार रंग में भंग कर दिया आपने, रंग में भंग कर दिया, क्या डाल दी, मैथी डाल दी तो रंग में भंग कर दिया, तो रंग भंग के रचनाकार कौन होंगे, मैथी डाल दी तो मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग कर दिया मैथी डाल के तो रंग में भंग, ये रचना किसकी होगी, मैथिली शरण गुप्त की, अधिकांश लोगों को पता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है, अब दोस्तों यहाँ पर शंकर आ रहा है, यहाँ पर भी शंकर आ रहा है, तो उत्तर में भी शंकर आएगा, नाथूराम शर्मा शंकर, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, यानी यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है राम रावण विरोध के रचनाकार कौन है दोस्तों, राम और रावण का क्या है, एक दूसरे से विरोध चलता था और राम और रावण के विरोध में कोई राय नहीं देना, है ना, मैंने कहा राम और रावण के विरोध में राय नहीं देना, कुछ लोग बोले सर राय देवी, अपन तो राय देवी, तो राय देवी, राम रावण के विरोध में अपन तो राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम रावण के विरोध में राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है, ठीक है, राम रावण के विरोध में राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, सा नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रवासी के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है प्रवासी मतलब क्या होता है, प्रवासी, प्रवासी पक्षी नाम सुना होगा, प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार जहां भी उनके अनुकूल मौसम होता है वहां चले जाते, मतलब यहां वहां भागते रहते हैं, वैसे ही प्रवासी, प्रवासी यहां वहां भागते हैं, मतलब यहां वहां अपने लोचन से देखते रहते हैं कहां मौका है कहां अच्छा है वहां भागते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं, अपने लोचन से देखते हैं, लोचन से, प्रवासी लोचन से देखते हैं कि हमें किस ओर जाना है कहां भागना है प्रवासी लोग, तो लोचन प्रसाद पांडे की रचना हो जाएगी प्रवासी, ठीक है, याद रख लेना। अगला है वीर बालक के रचनाकार कौन है, नाथुराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर लाला भगवान दीन, और वीर बालक के जो रचनाकार हैं, आपको पता है दोस्तों कि जब भगवान का जन्म होता है तो वीर बालक के रूप में होता है, आपने देखा होगा इतनी सारी लीलाएं देखी होंगी, है ना, कृष्ण की ही बात कर लो, कृष्ण जी का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ तो वीर बालक के रूप में हुआ, तो भगवान का जन्म होता है
तो कैसे होता है बीर बालक के रूप में, तो बीर बालक के रचनाकार कौन होंगे, लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन है ना, भगवान का जन्म वीर बालक के रूप में होता है तो वीर बालक के रचनाकार लाला भगवान दीन। ठीक है, अगला है दोस्तों रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है, और चार विकल्प हैं रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर लाला भगवान दीन। तो आपको पता है कि रामचरित चिंतामणि यानी कि ये जो रचना होगी वो किसकी होगी, रामचरित उपाध्याय की। रामचरित चिंतामणि के रचनाकार रामचरित उपाध्याय, यानी आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है भारत गीत की रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं। हमने भारत भारती पढ़ा था, किसका भारत भारती, अपने मैत्री शरण गुप्त की रचना पढ़ी थी। ठीक है, और ये भारत गीत पूछा गया है, तो पाठक लोग क्या करते भारत के गीत गाते हैं, पाठक भारत के गीत गाते हैं, कौन गाते हैं पाठक, तो श्रीधर पाठक, तो पाठक भारत के गीत गाते हैं, तो भारत गीत के रचनाकार कौन होंगे, श्रीधर पाठक, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है आवाहन के रचनाकार कौन है दोस्तों, आहान जिसे बोलते हो आप, आहान के रचनाकार कौन है, तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। और दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो हम कृष्ण का क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, है ना, इस प्रकार से क्या करते आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ और मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, तो किसका आवाहन करते हैं हम, कृष्ण का, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है, आवाहन, है ना, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बा नंबर। नेक्स्ट है यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं और चार में से चयन करना है, और रामचरित उपाध्याय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैत्री शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि यशोधरा और साकेत ने मैथिली, है ना, जब दसवीं पास हो जाते उसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है इस प्रकार से, तो यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली। तो यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन होंगे, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अब याद रख लेना, यशोधरा और साकेत ने मैथिली, यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी। ये खंड काव्य है यशोधरा, और ये साकेत महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं, है ना, याद रखना, और 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन भी है। नेक्स्ट है स्वदेशी कुंडल की रचनाकार कौन है दोस्तों, अब अगर कोई कुंडल खरीदना है किसी को, मतलब सोने के कुंडल खरीदना है, तो अपन क्या करेंगे, स्वदेशी की राय दोगे कि चाइना के खरीदवा दोगे, स्वदेशी की राय देवी, स्वदेशी की राय देवी, बोले सर अपन तो स्वदेशी की राय देवी, है ना, स्वदेशी की राय देवी, तो स्वदेशी कुंडल राय देवी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी की राय देवी, काई की राय देवी, स्वदेशी की, तो सात नंबर आपका बिल्कुल, स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण। विकट भट्ट के रचनाकार कौन है दोस्तों, विकट भट्ट, चार विकल्प हैं और चार में आपको याद रखना है कि रामचरित उपाध्याय की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, मैत्री शरण गुप्त की है या फिर लाला भगवान दीन की है, तो याद रख लेना है आपको, आपका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री शरण गुप्त की, मैथिली का विकेट गिर गया, मैथिली का विकट गिर गया, मैथिली का देखो विकट गिर गया, तो विकट भट्ट की रचनाकार कौन होंगे, बोले सर मैथिली का विकट गिर गया, विकट गिर गया तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, विकट गिर गया और विकट भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, है ना। अगला है उद्धव शतक और गंगा अवतरण की रचनाकार कौन है, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर लाला भगवान दीन, चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है, ठीक है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उद्धव शतक और गंगा अवतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, गंगा अवतरण से गंगा अवतरण शतक लगाया, तो उद्धव शतक, ठीक है, रत्नाकर ने कब लगाया, गंगा अवतरण में शतक लगाया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। और चैलेंज प्रश्न है, जकी किसका उपनाम है या जकी उपनाम से कौन लिखता था, ये चैलेंज प्रश्न है आपको, इसका उत्तर सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। और दूसरा मैत्री शरण का उपनाम क्या है ये भी आपको लिखना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है ये भी आपको लिखना है, नागार्जुन का उपनाम क्या है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है,
ये चारों विकल्प के उत्तर आपको ही बतानी है, ठीक है। और ज्वाइन मेंबर का मैंने ग्रुप बना दिया है दोस्तों, जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन जाएं और मुझे पर्सनल मैसेज करें, उनको ज्वाइन मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों, ठीक है। और ये चैलेंज प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ज़रूर बताना है। और दोस्तों जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको हिंदी साहित्य का ग्रुप अलग से बना है, नेट पीजीटी आदि एग्जामों का, उससे आपको जोड़ दिया जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।